हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों, सुपर सिंगर का ऑडिशन निकल चुका है। अगर आप बनना चाहते हैं एक बेहतर से बेहतर सिंगर, तो आप लोग जाइए ऑडिशन दीजिए। कोलकाता का ऑडिशन निकल चुका है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, एक प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ, उसको जाके आप लोग देखिए। जो जितना भी डाउट्स है आप लोग को क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, जितना भी आप लोग को डाउट्स है, जो भी आप लोग क्वेश्चन किए हैं, इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पिक किया हूँ, ठीक है। आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगा दोस्तों, इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अगर मैं एक दो जन को रिप्लाई कर दूँ तो एक दो जन को ही पता चलेगा, बट यहाँ पे अगर मैं वीडियो बना तो सबको नॉलेज मिलेगा। तो इसलिए चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल में नया आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, मैं देखता हूँ कि आप लोग का अनसब्सक्राइब वाला बहुत ही ज़्यादा है। आप लोग देखते हैं चैनल को बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग को इस तरह का इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलती रहेगी। दोस्तों, जितना भी ऑडिशन होता है, जितना भी डांसिंग का ऑडिशन, सिंगिंग का ऑडिशन, जितना भी सिंगिंग का, अभी मैं सरेगामापा का भी ऑडिशन का इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन जल्द ही जल्द पहुंचे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप लोग का क्वेश्चन है जो यहाँ पे, पांच क्वेश्चन में यहाँ पे पिक किया हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि जो ऑडिशन है, ऑडिशन में इंस्ट्रूमेंट रहेगा या फिर खाली गला में गाना पड़ेगा? ओनली रॉ वॉइस में हम लोग को गाना पड़ेगा। रॉ वॉइस क्या होता है? ओनली खाली गला, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट रहेगा या फिर रॉ वॉइस में, ये दोनों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। तो मैं यहाँ पे चलिए आप लोग का कंफ्यूजन दूर करता हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को क्लियरली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपका जो इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, ठीक है, आप लोग मान लीजिए नहीं रहेगा। और अगर मैं आप लोग को बताऊं जी बांग्ला सारेगामापा में, तो वहां पे क्या हुआ था कि वहां पे बोला गया था इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा। देखिए, ऐसा कंफर्मली भी नहीं है, नहीं रहेगा, ठीक है। तो जी बांग्ला में क्या हो रहा था कि वहां पे बहुत सारे रूम में ऑडिशन हो रहा था, ठीक है, बहुत सारे रूम में ऑडिशन हो रहा था, किसी में तानपुरा था, किसी में तानपुरा नहीं था, तो इस तरह से हो रहा था। बहुत कोई बोल रहे हैं कि आप गलत बताए हैं कि आप इंस्ट्रूमेंट था, और आप लोग बोल रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं कि ऐसा ही होगा, तो किसी में इंस्ट्रूमेंट रह सकता है, नहीं सकता। तो जितना देखिए कंफ्यूजन क्या है, मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है आप लोग को। जैसे कि मैं सारेगामापा में ऑडिशन दे चुका हूँ, इंडियन आइडल में ऑडिशन दे चुका हूँ, तो वहां पे क्या हुआ था, सारेगामापा में क्या हुआ था, पहले ऑनलाइन ऑडिशन लिया गया था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट ऑफलाइन ऑडिशन लिया जा रहा है। तो जो मैं ऑनलाइन ऑडिशन दिया था, उसके बाद मैं वहां पे सिलेक्ट हुआ था, उसके बाद ऑफलाइन ऑडिशन देने कोलकाता गया था। तो कोलकाता में क्या हो रहा था, वहां पे इंस्ट्रूमेंट था दोस्तों, ठीक है, पहले ही एट फर्स्ट था, ठीक है। वहां पे मैं फिर ऑडिशन दिया वहां पे, फिर मेरा सिलेक्शन वहां पे नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं इंडियन आइडल का ऑडिशन देने गया कोलकाता, वहां पे क्या हुआ, ऑनलाइन ऑडिशन इंडियन आइडल का नहीं हुआ, सीजन 13 जो अभी चल रहा है, ठीक है। वहां पे क्या, यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑडिशन नहीं हुआ, जो ऑनलाइन ऑडिशन नहीं हुआ, ऑफलाइन ऑडिशन हुआ, पहले ऑफलाइन ऑडिशन हुआ, ठीक है। तो ऑफलाइन ऑडिशन में दिया, तो वहां पे क्या हुआ, एट फर्स्ट जब मैं हम लोग ऑडिशन दे रहे थे, तो वहां पे क्या हो रहा था, ओनली रो वॉइस में हम लोग ऑडिशन दे रहे थे, ठीक है दोस्तों, ओनली रो वॉइस में हम लोग ऑडिशन दे रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो ओनली जो रो वॉइस में जाके अगर सिलेक्ट होते हैं, तो फिर उसको इंस्ट्रूमेंट के साथ गाना पड़ेगा, ये सीन था कुछ, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ ऐसा होता है तो हो सकता है दोस्तों, ठीक है, आप लोग दोनों ही प्रिपेयर करके जाइए। और जहां तक मुझे लगता है कि ओनली रॉ वॉइस में ही लिया जाएगा, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। तो वहां पे हो भी सकता है, ये बात क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट के साथ भी प्रिपेयर करके जाइए, और ओनली रॉ वॉइस में भी प्रिपेयर करके जाइए। तो और रॉ वॉइस में तो हम लोग प्रिपेयर करते ही हैं, तो हम लोग आप लोग इंस्ट्रूमेंट के साथ भी दो गाना चार गाना प्रिपेयर करके चले जाइए। तो यहाँ पे आप लोगों का बहुत ज्यादा डाउट्स है कि किस तरह का सॉन्ग प्रिपेयर करें, ठीक है, क्लासिकल हो गया, उसके बाद गजल सॉन्ग हो गया, बहुत तरह का वैरायटी है, ठीक है। तो जब मैं इंडियन आइडल में गया था, तो वहां पे क्या हुआ था, फॉर्म दिया गया था हम लोग को, बहुत सारा इंडियन आइडल का बहुत सारा फॉर्म होता है, उसमें हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। तो वहां पे क्या हुआ था कि बहुत सारे कैटेगरी का जो है सिंगिंग दिया हुआ था, क्लासिकल था, फोक म्यूजिक था, जितना भी था, ठीक है, सोलो था, ठीक है, बहुत कुछ दिया हुआ था। तो ऑडिशन में मैं आप लोगों को बताऊं तो ऑडिशन में हर तरह का आप लोग गाना गा सकते हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं है कि आप रॉक नहीं गा सकते, या फिर सोलो नहीं गा सकते, या फिर आप लोग को क्लासिकल ही गाना है, ऐसा कोई बात नहीं हो दोस्तों। आप लोग जिसमें कंफर्टेबल होते हैं वही सॉन्ग आप लोग गा सकते हैं,
यहाँ पे बात किया जाए अगर बंगाली सॉन्ग का, ठीक है, तो बंगाली सॉन्ग भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एक बंगाली गाना सुनेगा ही सुनेगा, ठीक है। और अगर आप लोग देखेंगे बंगाली शो में, रियलिटी शो में, तो वहां पे हिंदी सिंगर भी रहते हैं। ऐसा बात नहीं है कि आप लोग बंगाली नहीं आता है तो आप लोग नहीं दे पाएंगे ऑडिशन, ऐसा बात भी नहीं है, आप लोग दे पाएंगे दोस्तों, दे सकते हैं, ठीक है। उसमें हिंदी के जो है सिंगर वो भी रहते हैं, वो भी आपका जो जज करते हैं। तो इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि आप लोग को, आप लोग हर तरह का गाना इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली चीज़ नहीं। क्लासिकल बोलिए, रॉक बोलिए, कुछ भी बोलिए, आपको जो पसंद आता है वो आप लोग सिलेक्ट कीजिए आपके हिसाब से। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, फुल सॉन्ग गाना पड़ेगा या फिर थोड़ा सा गाना पड़ेगा? क्योंकि क्या होता है कि फुल सॉन्ग गाना कहीं ना कहीं माइंड में प्रेशर बन जाता है, क्योंकि बहुत कोई का क्या होता है कि फुल सॉन्ग याद ही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फुल सॉन्ग गाना है या फिर थोड़ा बहुत गाना है, देखिए अभी तो जज पे मैटर करेगा कि आपको फुल सॉन्ग गवाएगा या फिर थोड़ा सा सॉन्ग गवाएगा, ठीक है। जिसका सिंगिंग अच्छा लगता है जजेस को, ठीक है, ऐसा बात भी नहीं है कि थोड़ा सा सुन लिया उसके बाद भगा दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर जिसका पसंद आता है दोस्तों, पसंद आता है जिसका सिंगिंग, उसको मतलब गाने के लिए कहा ही जाता है, बट 1 से 2 मिनट तक, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि वो लोग का भी प्रेशर रहता है कि ऑडिशन लेना है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को गाना पड़ता है। उतना एक पूरा गाना अगर आप लोग याद करने जाए, पूरा गाना कोई भी नहीं सुनता है, ठीक है। वो अगर आप लोग को सिलेक्ट होते हैं आप लोग, तो जो शो में दिखाया जाता है वहाँ पे आप लोग को थोड़ा बहुत पूरा गाना गाना पड़ता है, बट यहाँ पे आप लोग को पूरा गाना नहीं गाना पड़ेगा। अगर आप लोग एक सिंगर बनना चाहते हैं, अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप लोग टीवी में आना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आप लोग को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, फुल सॉन्ग देना ही पड़ेगा आप लोगों को, फुल सेंड डेडिकेशन के साथ आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग पहले से ही तैयार होके रहिए, तैयार होके जाइए, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर आपको याद है थोड़ा बहुत ही गा दीजिए, ऐसा कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। जो म्यूजिक नहीं सीखा है, सीरियसली भी क्वेश्चन है, फनी में बोल रहा हूँ, जो म्यूजिक नहीं सीखा है क्या वो ऑडिशन दे सकता है? ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बहुत कोई ऐसे भी है जो शौकिया तौर पे गाते हैं, सिंगिंग नहीं सीखते हैं, ठीक है, और वो गाना चाहते हैं, सॉन्ग सिंगर बनना चाहते हैं, इच्छा है मन में कि नहीं भाई मैं अरिजीत सिंह को देखा हूँ, अरमान मलिक को देखा हूँ, मुझे भी बनने का मन करता है, उनको सुन के, उनको उनसे इंस्पायर होके, उनका गाना सुन के, उनका गाना गा के मुझे भी मैं भी बनना चाहता हूँ उस तरह से, तो क्या वो लोग भी ऑडिशन दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल आप लोग ऑडिशन दे सकते हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं है कि आप लोग सीखे हैं तो ही आप लोग को ऑडिशन लेगा, सर्टिफिकेट आपके पास है तभी ऑडिशन लेगा, ये तो कोई जॉब नहीं है ना दोस्तों, ये जॉब नहीं है, टैलेंट है, ठीक है। आप लोग टैलेंट दिखाने के लिए वहां पे जा रहे हैं, ना कि आप लोग जॉब लेने के लिए। तो जॉब लेने के लिए जब हम लोग जाते हैं तो आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर क्या हम लोग क्या काम करके आए हैं, कितना कहाँ कितना काम किए हैं, एक्सपीरियंस दिखता है। बट यहाँ पे आप लोग जाते हैं तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं देखा जाता है, आपका टैलेंट देखा जाता है कि आपका अंदर कितना टैलेंट है, ठीक है। टैलेंट के दम पे आपको वहां पे चलता है, ना कि सर्टिफिकेट के, ना कि आप सीखे हुए रहते हैं तब, ठीक है। आज अगर आप लोग को पता होगा कि रितो रिबा जैसे कि निकले हैं इंडियन आइडल से, तो उनके पास भी कहाँ सर्टिफिकेट था, कहाँ सीखे थे सॉन्ग, कुछ भी नहीं सीखे थे, बट उनको सॉन्ग राइटिंग आता था, कॉम्पोजिशन आता था, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इधर उधर से सीखे थे थोड़ा बहुत, ठीक है, अपने से, वो कहीं से भी क्लास वगैरह नहीं किए थे। तो अगर आप लोग सीखे हुए नहीं हैं तो फिर भी आप लोग यहाँ पे आराम से ऑडिशन दे सकते हैं। क्वेश्चन है वो है जैसे कि सामने के सिटी में, जैसे कि मेरा सामने में ऑडिशन हो रहा है और मेरा जो ऑडिशन हुआ छूट गया, मैंने ऑडिशन नहीं दे पाया, ठीक है। जैसे कि मेरा मान लीजिए कोलकाता में घर है, ठीक है, सामने ही घर है, बट मैं वहाँ पे ऑडिशन नहीं दे पाया और जो ऑडिशन है दूसरा जगह निकला है, ठीक है, मान लीजिए, तो वहां पे मैं जाके ऑडिशन दे सकता हूँ कि नहीं, क्वेश्चन है उनका, तो आप लोग का ही क्वेश्चन है। तो देखिए ये कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन एक नहीं है, मैं जहां तक मानता हूँ कि आप आराम से दे सकते हैं ऑडिशन, ऐसा कोई भी दिक्कत वाली चीज नहीं है। अगर आपको वहां पे सामने जो आपका सिटी था वहां पे छूट गया, अलग आप लोग सिटी में जाके ऑडिशन दे रहे हैं, तो आराम से आप लोग दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली चीज नहीं है दोस्तों। और अगर आप लोग का और भी डाउट से अगर आप और भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग का रिप्लाई दूंगा दोस्तों, वीडियो बना के रिप्लाई आराम से दे दूंगा आप लोग को। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों।